गाजीपुर खबर। कोर्ट में विचाराधीन ऊसरी चट्टी कांड मामला। मामले में मुख्य आरोपी बृजेश सिंह कोर्ट में हुए पेश। पेशी के बाद कोर्ट से रवाना हुए बृजेश सिंह। वादी मुख्तार अंसारी कोर्ट में नहीं हुए पेश। कोर्ट ने मामले में 17 जनवरी को अगली तारीख की तय। कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार को किया था तलब। 15 जुलाई 2001 को ऊसरी चट्टी पर मुख्तार के काफिले पर हुआ था जानलेवा हमला। एंकर खबर गाजीपुर से है, जहां कोर्ट में विचाराधीन ऊसरी चट्टी कांड मामले में अगली तारीख 17 जनवरी तय की गई है। ऊसरी चट्टी कांड मामले में मुख्य आरोपी बृजेश सिंह कोर्ट में पेश हुए, जबकि मामले में वादी मुख्तार अंसारी कोर्ट में आज भी पेश नहीं हुए। इस मामले में कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार को तलब किया था, लेकिन बांदा कोर्ट में बंद मुख्तार अंसारी को मौसम की खराबी के चलते गाजीपुर पेशी पर नहीं लाया जा सका। बताया जा रहा है कि बांदा जेल अधीक्षक ने इस बाबत अदालत को एक पत्र ईमेल किया, जिसमें खराब मौसम के चलते एस्कॉर्ट उपलब्ध न होने की वजह से मुख्तार को पेश कर पाने में असमर्थता जताई गई, जबकि मामले में मुख्यारोपी बृजेश सिंह कोर्ट में हाजिर हुए और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दिया। 15 जुलाई 2001 को ऊसरी चट्टी पर मुख्तार के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। मामला गाजीपुर की कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में बाहुबली बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्यारोपी हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में 17 जनवरी की तारीख तय की है और मुख्तार को कोर्ट में पेश होकर गवाही देने का पूर्ववत आदेश जारी रखा है। बाइट नीरज श्रीवास्तव शासकीय अधिवक्ता। बाइट लियाकत अली वकील मुख्तार। सन 2001 में मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी अपने घर से अपने क्षेत्र में जा रहे थे मऊ, तो रास्ते में ऊसरी चट्टी पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें 2 लोग मर भी गए थे। उसी मामले का विचारण MPMLA कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है। उसमें मुख्तार अंसारी वादी हैं और घायल हैं, उनकी आज साक्ष्य होनी थी, जिन्हें जिला कारागार बांदा से आज प्रस्तुत किया जाना था, परंतु घना कोहरा होने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें न्यायालय नहीं लाया जा सका। अगली तिथि 17 जनवरी 2023 नियत की गई। आज बृजेश सिंह आए थे, आज क्या हुआ है? आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। बृजेश सिंह आए थे, बृजेश सिंह की उपस्थिति दर्ज की गई और त्रिभुवन सिंह जरिए अधिवक्ता उपस्थित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थित थे, तो और कोई कार्रवाई आज नहीं हो सकी। क्या 17 जनवरी को मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया जा सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अब ये मामले में? नहीं, वो 17 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पुनः उपस्थित करने के लिए माननीय न्यायालय ने शासन को निर्देश दिया है और जिला कारागार बांदा को भी, तो संभावना यह है कि 17 जनवरी को आना चाहिए। वकील साहब, आज जो है कोर्ट में मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह की पेशी होना था, मुख्तार अंसारी तो नहीं आए, बृजेश सिंह की पेशी हुई, क्या हुआ आज पूरा? देखिए, माननीय न्यायालय ऊपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय MPMLA कोर्ट द्वारा आज मुख्तार अंसारी साक्षी को बांदा जेल से तलब किया गया था, जिसके संबंध में बांदा जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा एक रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय में ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जिसको कि हम लोगों ने देखा। उसमें माननीय न्यायालय से जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि अत्यधिक घना कोहरा होने के कारण पुलिस गार्ड जो है उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके कारण मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, अग्रिम तिथि देने की कृपा करें। ये माननीय न्यायालय से जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अनुरोध किया है, जिसके आधार पर जो है माननीय न्यायालय द्वारा पुनः साक्ष्य की तिथि 17 जनवरी 2023 नियत किया गया है। कि पूर्व में जो आदेश दिया गया है मुख्तार अंसारी को तलब करने के लिए, वह आदेश जो है वो पूर्ववत रहेगा, यह आदेश में, आज के आदेश में माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा लिखा गया है। ऐसे में आज बृजेश सिंह कोर्ट में पेश हुए, आप लोग भी कोर्ट में रहे हैं, क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या हुआ कोर्ट के अंदर? देखिए, बृजेश सिंह माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने भी माननीय न्यायाधीश महोदय से अपनी सुरक्षा के गुहार लगाई। उन्होंने भी अनुरोध किया माननीय न्यायाधीश महोदय से सुरक्षा के बाबत, सुरक्षा तो काफ़ी आज पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, उन्होंने भी अनुरोध किया है और माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा
न्यायालय में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को आदेशित किया गया है कि 17 जनवरी को न्यायालय में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई। वकील साहब, देखा जा रहा है कि इधर एक तरफ मुख्तार अंसारी के द्वारा भी सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन डाला जा रहा है, इधर ब्रजेश सिंह की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आखिर दोनों लोगों को डर किससे है? देखिए, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है, चली आ रही है। एक ब्रजेश सिंह गैंग द्वारा काफ़ी मतलब पहले भी लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की काफ़ी पर हमला किया जा चुका है, जिसके संबंध में लखनऊ में भी मुकदमा कायम हुआ था। तो ऐसी स्थिति में दोनों लोग को सुरक्षा का